कुशीनगर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इस पर एसपी विनोद कुमार मिश्रा से हमारे संवाददाता नागेंद्र मणि ने खास बातचीत की। अयोध्या मामले में फैसला आने वाला है और कुछ ही समय बचा है, जिले में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? जिले में कई स्तरों पर तैयारी हो रही है, जैसा कि डीजीपी मुख्यालय से, अपर मुख्य सचिव महोदय गृह से बहुत सारे निर्देश पहले ही प्राप्त हुए हैं और उन निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए सबसे पहले तो सभी धर्म गुरुओं से गोष्ठी जनपद स्तर पर आयोजित की गई थी और उसके बाद थानावार इनकी गोष्ठी अलग अलग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों की गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, छात्र वर्ग, मजदूर वर्ग और समाज के अधिवक्ता वर्ग, जितने भी अलग अलग समूह हैं सबको विश्वास में लेकर सबके सहयोग से एक विश्वास का वातावरण बनाया जा रहा है कि कानून का शासन है और सभी लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना है, किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में कोई समाज में सद्भाव को खतरा उत्पन्न करने वाला मामला न पैदा हो, इसके लिए निरंतर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, इसकी आड़ में कोई अव्यवस्था न फैलाने पाए, उसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता के अनुरूप जितना पुलिस फोर्स है उसका अवकाश पहले से बंद है, उन लोगों की ऑडिट की जा रही है और जो रिसोर्सेस हैं ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उनका अभ्यास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय का अभी साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी भी तरह का कोई अफवाह, कोई अराजक तत्व फैलाता है तो उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नागेंद्र मणि त्रिपाठी, R9 TV, कुशीनगर।